किडनी खराब होने से पहले हमारा शरीर ये संकेत देता है, पहचान लें कहीं देर न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शरीर में होने वाले छोटी छोटी परिवर्तनों को यूं ही नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यही बदलाव आगे चलकर बड़ी बीमारियों में तब्दील हो सकते हैं। आजकल की जीवन शैली को देखते हुए यह किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता है कि उसे यह बीमारी नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि हम समय समय पर अपने शरीर की आवाज सुने और इसके संकेतों को पहचाने और इसका ख्याल रखें। किडनी कभी भी अचानक खराब नहीं होती। किडनी शरीर में से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा किडनी रक्तचाप को नियंत्रित करने, हड्डियों को मजबूत बनाने, लवण और हीमोग्लोबिन को नियमित बनाए रखने का काम करती है। किडनी में दो तरह की समस्या होती है। जी हाँ दोस्तों, और भी ऐसी कई समस्या है जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों हर समय कमजोरी और थकान महसूस होना किडनी की समस्या के शुरुआती लक्षण हैं। जैसे जैसे किडनी की बीमारी गंभीर होती जाती है, व्यक्ति पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। यहाँ तक कि थोड़ा चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसा किडनी में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण होता है। नंबर दो, खुजली। यहाँ दोस्तों, यदि त्वचा पर बहुत अधिक खुजली हो रही है तो हो सकता है कि किडनी ठीक से काम कर नहीं रही हो, जिससे कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा प्रभावित हो चुकी है। इसलिए फटी त्वचा को यह सोचकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यह ठंड से फट रही है, बहुत अधिक फट रही है तो ये गंभीरता से लें। नंबर तीन, पेशाब में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति दिन में 6 से 10 बार पेशाब जा सकता है। इससे ज्यादा बार पेशाब जाना किडनी खराब होने की निशानी है। किडनी के समस्या के मामले में व्यक्ति को या तो बहुत कम बार पेशाब जाना रहता है या फिर बहुत ज्यादा बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती है। दोनों ही स्थिति में किडनी को नुकसान पहुंचती है। कुछ लोगों की पेशाब में खून भी आने लगते हैं। ऐसा डैमेज हुए किडनी के कारण और ब्लड सेल्स के पेशाब में रिसाव के कारण होता है। नंबर चार, दोस्तों यदि गैस संबंधी समस्या अचानक से बहुत अधिक बढ़ गई है, यह भी किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत है। इसके लिए शुरुआत में हल्का खाना खाएं, फिर भी समस्या जैसी की तैसी है तो आप साथ में ही सीने में दर्द भी हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर पाँच, दोस्तों यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे विषाक्त पदार्थों के जमा होने से व्यक्ति को भूख कम लगती है। इसके अलावा जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती है, रोगी के स्वाद में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिसे अक्सर रोगियों द्वारा धात के रूप में बताया जाता है। यदि किसी को दिन में बिना कुछ खाए पिए पेट भरे का अनुभव होता है तो दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए और गुर्दे की जांच तुरंत करवानी चाहिए।